resolving power of microscope. रे डायग्राम लेंस. सपोज यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए. ये डायग्राम देखो ठीक से. पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए. इसका इमेज कहां पर होगा? इसी लाइन पे फॉर्म होगा इमेज. इमेज विल बी ए डैश. अभी इमेज कैसे फॉर्म करना है? इमेज के लिए ओनली 2 रेज आर रिक्वायर्ड. रे पासिंग थ्रू सेंटर गोज अनडेविएटेड. तो दूसरा रे हम लोग ये लेते हैं और यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा ए डैश. टेक्स्ट बुक में क्या गिवन है? एक ये रे गिवन है और एक ये नीचे वाला रे गिवन है. ये ऊपर बेंड होगा, इमेज फॉर्म होगा ए डैश. सपोज मैंने दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिया, 2 ऑब्जेक्ट्स है बराबर. एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर बी. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? माइक्रोस्कोप से इमेज कैसे फॉर्म होता है? डायरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड. तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? नीचे फॉर्म होगा. तो सपोज यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा बी डैश. अगेन रेस कैसे करूँ? अगेन सेम. अगर मैं सेंटर वाला रे करता तो ये यहाँ पर आएगा. मुझे 2 रेस लेना है, एक ये ऊपर बेंड यहाँ पर, एक नीचे बेंड यहाँ पर. दिस डिस्टेंस is called as small d. और माइक्रोस्कोप का डायग्राम करें. इजी है ठीक है. ठीक है पहले सब कुछ देख लो और सब एक साथ कर लो. आ जाएगा कुछ से डायग्राम ड्रॉ करने जरा. ठीक है ड्रॉ करना. चलो फिर थियरी लिखते हैं और एग्जाम में वो दो डेफिनेशन फिर से लिखने हैं. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब इफ distance between, मतलब if images a dash and b dash are just resolved, then small d is called as limit of resolution और उसका उल्टा is called as resolving power. Okay, write down case 1. डायग्राम बाद में ड्रॉ कर लो. write down case 1. write down formula small d equal to 1.22 lambda upon 2 sin alpha. small d equal to 1.22 lambda upon 2 sin alpha. आगे लिखो if objects are self luminous, if objects are self luminous LUMINOUS. मतलब जो माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है वो सेल्फ लुमिनस है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये d equal to 1.22 lambda upon 2 sin alpha. सेल्फ लुमिनस मतलब क्या? खुद की लाइट बराबर है. अगर मैंने ये चौक रखा माइक्रोस्कोप के नीचे तो ये फॉर्मूला यूज होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये चौक सेल्फ लुमिनस नहीं है. अब ये देखने के लिए मुझे एक्सटर्नल लाइट लगेगा. अगर मून है, मून को मैंने एकदम छोटा किया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो ये फॉर्मूला यूज होगा क्या? नहीं होगा. सन को छोटा करके रखा तो होगा. क्लियर है? ठीक है. सेकेंड केस वो लिखा क्या वहाँ पे? सेल्फ लुमिनस. ठीक है. सेकेंड केस डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा. मतलब 1.22 को गायब करो, मतलब उसका खुद का लाइट गायब हुआ. मतलब 1.22 लैम्डा गायब, 1.22 गायब. तो 99% ऑब्जेक्ट ये इसमें आ जाएंगे. तो जब भी माइक्रोस्कोप का सम होगा, कुछ भी गिवन नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है बराबर. मतलब ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव देयर ओन लाइट और विच रिक्वायर एक्सटर्नल लाइट फॉर विजिबिलिटी, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा. तो वहाँ पे लिखो नॉन सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. और थर्ड, अगर ये पूरा अपरेटस मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. समझ में? पूरा अपरेटस एक लिक्विड में डाल दिया ऑफ हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या कोई भी मीडियम. सो राइट डाउन इफ कंप्लीट सेटअप is immersed in a liquid of refractive index mu. Then d equal to lambda upon 2 mu sin alpha. सिर्फ नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या हुआ है? mu यहाँ पर. And this mu sin alpha is called as numerical aperture. तो ये लिख लो म्यू साइन अल्फा इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट लाइन पे म्यू साइन अल्फा इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल NUMERICL न्यूमेरिकल अपर्चर। योर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.12, मतलब डायरेक्टली क्या गिवन है, म्यू साइन अल्फा गिवन है, याद रहेगा। सिर्फ ये तीन केसेस है, कौन से तीन केसेस है, सेल्फ लुमिनस, क्या है फॉर्मूला, सेल्फ लुमिनस स्मॉल डी इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, नॉन सेल्फ लुमिनस सी 1.22 का लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। अगर मैंने पूरा एपरेटस लिक्विड में डाल दिया तो नीचे से क्या ऐड कर देना है, म्यू, रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट लिखो आरपी, आरपी इक्वल टू 1/d, आरपी इक्वल टू 1/d। अगर आंसर थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ पर लिखो आरपी इक्वल टू 1/d इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। केस 2 में भी लिख सकते हो आरपी इक्वल टू 1/d इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन लैम्डा। केस 3 में भी आएगा आरपी इक्वल टू 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्डा, दोनों का उल्टा। या फिर सिस्टमेटिक लिखना है तो एक ही बार लिखो आरपी इक्वल टू 1/d। क्लियर है। और डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम डी का अच्छा सा फॉर्मूला यूज करो और उसको उल्टा कर दो, क्या मिलेगा, रिजॉल्विंग पावर। ये माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हेडिंग दो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफिनिट डिस्टेंस पे, इनफिनिट पे होगा ना, ना मून को देखना है, सन को देखना है, दे आर एट इनफिनिट डिस्टेंस। तो रे ऑफ लाइट्स कैसे आएंगे, ऐसे पैरेलल आएंगे, बराबर। तो अभी ये डायग्राम देखो ठीक से, रे ऑफ लाइट ऐसा स्ट्रेट आएगा, एकदम स्ट्रेट, सेंटर से जो पास होगा दैट विल गो स्ट्रेट, इसको बेंड कराओ, यहाँ पे क्या मिलेगा P, बराबर ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसका एक इमेज दिखेगा मुझे, डायफ्रैक्शन, रिंग्स रिंग्स रिंग्स, बराबर। दूसरा दे इधर से थोड़ा पैरेलल लेगा, थोड़ा सा कुछ अलग एंगल पे, बराबर। इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, रेज नीचे से, इसका इमेज ऊपर फॉर्म होगा P डैश। तो अगेन रेज यहाँ पर मीट करवा दो, डायग्राम क्लियर है। दिस एंगल इज डी थीटा, छोटा सा एंगल थीटा, इसलिए नाम दे दिया है डी थीटा। क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी इनफिनिट डिस्टेंस पर है, इसलिए ये डी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, एंगल के टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा डी थीटा। यहाँ पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा, डी थीटा। क्लियर है। मिनिमम एंगल डेफिनेशन भी याद करो, हम लोगों ने लिखा था एंगुलर सेपरेशन, बराबर ना, एंगुलर सेपरेशन और ये वाला सेपरेशन। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हुआ, डी थीटा। डायग्राम क्लियर है, ड्रॉ कर रहा है। If images are just resolved, ये काफी इजी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देख लो, ये ऑलमोस्ट अपना फ्लोनोफर केस में नहीं दिखाई दे रहा है, बराबर। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस a sin थीटा, ये डिस्टेंस अगर मैंने x लिया, ये डिस्टेंस x। इमेजेस कैसे जस्ट रिजॉल्व्ड है, मतलब अगर p वाला को बड़ा वाला नहीं देखेंगे वाइट वाला, तो p' कहां पर आएगा, उसके p वाले के मिनिमा पे आएगा, करेक्ट ना। p' कहां पे मिलेगा, p वाले के मिनिमा पे, जस्ट रिजॉल्व्ड का कंडीशन। तो मिनिमा का फार्मूला क्या है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, मिनिमा का फार्मूला मतलब डिफरेंस का मैक्सिमा। वो कौन सा वाला मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा या सेकंड मिनिमा, फर्स्ट n की जगह पर क्या होगा, so a sin theta equal to lambda, therefore sin theta equal to lambda. Angle is very small, therefore sin theta is approximately equal to theta, therefore sin theta की जगह पर लिखो theta। angle कितना है, so d theta equal to lambda upon this formula holds good for rectangular aperture, holds good, मतलब इज ट्रू फॉर। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ओनली फॉर रेक्टेंगुलर अपर्चर। केस टू लिखो, फॉर सर्कुलर अपर्चर, फॉर सर्कुलर अपर्चर डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए. फॉर सर्कुलर अपर्चर डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए. अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मैक्सिमम टाइम्स ये फॉर्मूला यूज होगा 1.22 वाला, और यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर बिना 1.22 वाला फॉर्मूला यूज होगा. यहाँ पर माइक्रोस्कोप में 99% टाइम्स ये फार्मूला यूज होगा जहाँ पे 1.22 नहीं है, और टेलीस्कोप में 1.22 वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स अपर्चर कैसा होता है, सर्कुलर अपर्चर. तो डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए. नेक्स्ट आरपी, आरपी बताओ कितना होगा, 1 अपॉन डी थीटा. इसका उल्टा सडन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए अपॉन 1.22 लैम्डा, ए अपॉन 1.22 लैम्डा. ए मतलब अपना ये अपर्चर डायमीटर बराबर विड्थ, ठीक है. अभी ये वर्ड फिर से देख लो एक क्लास. आरपी इक्वल टू ए अपॉन, ए मतलब अपर्चर मतलब वो साइज ऑफ लेंस. तो ये ए जितना ज़्यादा होगा उतना रिजॉल्विंग पावर होगा. रिजॉल्विंग पावर मतलब वो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप इमेजेस को कितने अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है, मतलब कितना पावरफुल है वो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप. जितना बड़ा, मतलब जितना बड़ा ए होगा उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा. तो लेंस बड़ा बड़ा यूज़ करते जाओ, रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होगा.